हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। आज हम लोग कॉमर्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे फॉर द ईयर 2024। ठीक है, सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कितना MCQ क्वेश्चन होगा, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर आएंगे और कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 सेक्शन होंगे पेपर में। सेक्शन ए 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे? टोटल 6 जो हैं वो MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एक ट्रू फॉल्स हो गया और उस एक ट्रू फॉल्स में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो 4 ट्रू फॉल्स हुआ। 2 गिव वन वर्ल्ड हो गए, 1 वर्ड आंसर लिखने के लिए, और 3 जो है क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 1 ही वर्ड लिखने होंगे, और एक अजर्शन रीजन का क्वेश्चन होगा। इसमें 2 स्टेटमेंट दी रहेगी, दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, और अगर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, 2 इज़ करेक्ट। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो दोनों स्टेटमेंट पे आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन में कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये आपका हो गया सेक्शन 1। अब हम लोग बी में आते हैं। बी में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हर क्वेश्चन जो है 4-4 मार्क्स का होगा, तो टोटल ये 32 मार्क्स का सेक्शन है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर से होंगे ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्लानिंग, कैपिटल, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारा। ठीक है, तो सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो ये 32 मार्क्स का ये हो गया। सी पे आते हैं। सी ये जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन कैसे है? 8 मार्क्स का। तो कोई एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो 8 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा बैठ के। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन पूछेंगे या 3 क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके से होंगे। जैसे पहला 10th वाले में क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, तो पहला वाला 5 मार्क्स का हो गया, दूसरा वाला 3 मार्क्स का हो गया, तो 5 × 3 कितना हुआ, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और 13 ये जो लास्ट वाला है ये पैसेज बोल दिया है, पूरा एक मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड पूरा पैसेज है, उसमें आपको पैसेज में आंसर देना है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, किस तरीके का पेपर जो है एग्ज़ाम में आएगा। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए पेपर में? 3 सेक्शन हो गए। ए कितने मार्क्स का हो गया? 16 मार्क्स का हो गया। बी 32 मार्क्स के लिए हो गया, और सी जो है आपका 32 मार्क्स के लिए हो गया, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया, और 20 मार्क्स फॉर वाइवा और प्रोजेक्ट का हो गया आपका। तो इस पेपर में ना कॉमर्स का पेपर बहुत ईजी आता है एग्ज़ाम में, इसमें आप 100 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करें, आंसर में जो है कीवर्ड्स लिखें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर, तो अभी जो है सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ ABC कंपनी इज़ हायरिंग अ न्यू मार्केटिंग मैनेजर। आफ्टर रिव्यूइंग द एप्लीकेशंस एंड रिज्यूम्स, द HR डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट 5 कैंडिडेट्स who possess the required qualifications and experience. What will be the next step in the selection procedure? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, पहले फुल स्टॉप तक समझिए एक बात इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। ABC कंपनी है, वो हायर करती है एक नया मार्केटिंग मैनेजर, और कैसे हायर कर रही है? आफ्टर रिव्यू चेक कर रही है सारी चीज़ें, एप्लीकेशन, रिज्यूमे, सारी चीज़ें वो चेक कर रही है। HR डिपार्टमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया है 5 कैंडिडेट्स को जो पोजेस करते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जिसके पास क्वालिफिकेशन वो रिक्वायर्ड जो ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
जो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन है। ठीक, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। अब सिलेक्शन करना है, सारा सब काम कर लिया है, कंपनी ने हायर कर लिया है मार्केटिंग मैनेजर को, उनकी सारी स्किल चेक कर ली है, क्वालिफिकेशन चेक कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंडक्टिंग अ स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, या चेकिंग द रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, या कंडक्टिंग अ बैकग्राउंड चेक ऑन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, और कंडक्टिंग अ पैनल इंटरव्यू विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब बताइए यहाँ पे ए बी सी या डी। फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, कंडक्टिंग अ स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जितने भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किए गए हैं, अब उनके स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि उनके एप्लीकेशन रिज्यूमे ये सारी चीज़ें तो चेक हो गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है? फैक्टरिंग है कि बैंक क्रेडिट है कि ट्रेड क्रेडिट है कि पब्लिक डिपॉजिट है? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, जब आप बहुत ध्यान से बुक में पढ़े होंगे एक एक चीज़ को, तब उसमें जाके ये प्रोवर्ब जैसे कुछ चीज़ें आई होंगी, नहीं तो ये आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब ये जो है फेयर वेदर फ्रेंड जो है पब्लिक डिपॉजिट को कहते हैं। हाँ, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब पब्लिक अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है तो उसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। कोई मांग नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा कि हम तुम्हें सिक्योर्ड करेंगे पैसा तुम्हारा, सिक्योर्ड डिपॉजिट नहीं, ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बोलें कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट वो होते हैं, जैसे ये पब्लिक डिपॉजिट क्या हो गया, दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, जो ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक से डायरेक्टली ले लेती है, और कुछ उसके बदले कुछ गिरवी रखने की ये सब कोई बात नहीं होती, अनसिक्योर्ड होते हैं ये। कंपनी सिंपली क्या करती है, प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट। कंपनी ने क्या करना है, एडवर्टीजमेंट दे देना है न्यूज़पेपर में कि पब्लिक डिपॉजिट हो रहा है इस कंपनी का, आइए आप लोग डिपॉजिट कर दीजिए। और फिर पब्लिक क्या करती है, फॉर्म फिल करती है और अपना पैसा जो है वहाँ पे जमा करके आ जाती है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है ये भी समझ लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है ट्रेड क्रेडिट। जब उधार में सामान को खरीदा और बेचा जा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रेड तो हो रहा है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज़, एंड क्रेडिट मीन्स उधार में। तो जब सेलर अलाउ करता है कस्टमर को कि वो पे करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है ना, वो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं पे करेगा, कुछ समय बाद पे करेगा, तो इसे कहते हैं कि बायर जो है सामान तो ले आता है, परचेस कर लेता है, लेकिन इमीडिएट पेमेंट नहीं करता, तो इसीलिए उधार में ये काम होता है, इसलिए इसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। अब बैंक क्रेडिट समझिए क्या होगा। बैंक क्रेडिट भी ये एग्रीमेंट होती है, किसके किसके बीच की एग्रीमेंट हो सकती है, ये बैंक और बोरोवर के बीच की एग्रीमेंट होती है, बैंक और जिसका लोन है वहाँ पर बैंक में, जिसने पैसा लेना है उसके बीच की एग्रीमेंट होती है। मानिए कि आपको लोन लेना है 10 लाख का, तो बैंक ऐसे तो लोन दे नहीं देगी, बैंक आपका चेक करेगी पुराना रिकॉर्ड कि आपने कब कितनी क्रेडिट वर्थनेस है, आपने कब पैसा सही से टाइम पे पे किया था कि नहीं किया था, अगर दिया था तो बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर देगी, लोन दे देगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी। ठीक है, और फैक्टरिंग क्या हो गया, ये वाला A1 वाला, इसको तो आपने क्लास 11 भी पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या था, एक पार्टी होती है सेलर और एक होता है बायर। ठीक है, सेलर को अपना सामान बेचना है बायर को, और बायर क्या होगा, बायर सामान खरीदने वाला हो गया कि हाँ भाई हमें तो सामान लेना है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है बायर के पास। प्रॉब्लम क्या हो गई, बायर के पास जो है कैश पैसा तो अवेलेबल है नहीं, वो कैश तो दे पाएगा नहीं, तो अब करे तो क्या करे, तो सेलर जो है सामान बेच देता है बायर को, बायर सामान ले भी लेता है, और बायर
कहता है कि हम 3 मंथ के बाद आपकी पेमेंट करेंगे, तो सेलर एग्री कर जाता है, ठीक है 3 मंथ के बाद पेमेंट कर देना मेरी। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सेलर तो मान गया हाँ, बट अब सेलर को एक ही महीने में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, उसके घर में एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसे चाहिए पैसा, कहाँ से लेके आए, और उसके पास बिल तो पड़ा हुआ है जो बायर ने दिया था, तो अब उस बिल से तो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो अब ये ढूंढता है कोई फैक्टर, किसी को ये ढूंढ रहा होता है जो ये सर्विस प्रोवाइड करे कि इस जो ये बिल है ना जो 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला है वो अभी मैच्योर हो जाए और अभी उसे पैसा मिल जाए। तो सेलर को मिल जाता है एक फैक्टर। अभी फैक्टर का क्या काम है, ये फैक्टर क्या करता है, देखिए सेलर ने बायर को 5000 का सामान बेचा था, ठीक, और 5000 का बिल जो है सेलर अपने पास रखा हुआ था। अब वो ये बिल लेके फैक्टर के पास जाएगा और कहेगा कि ये थर्ड पार्टी भी हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के पास जाएगा कि ये 5000 का बिल है, मेरा बिल आप रख लो। तो ये बिल रख लेगा फैक्टर, थर्ड पार्टी बिल रख लेगा और ये कहेगा कि ठीक है मैं आपको पेमेंट तो कर दूंगा लेकिन मैं आपको सिर्फ 4000 पे करूंगा, 5000 नहीं पे करूंगा। तो ये मान जाएगा कौन, सेलर, कहेगा अभी तो ज़रूरत है ना पैसे की, तो अभी तो मिल रहा है, अभी मेरा काम चल रहा है, फिर बाद में तो ये ले लेगा ये। और फैक्टर क्या करेगा, जब 3 मंथ पूरा मैच्योर हो जाएगा तब वो बायर जो है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, तो थर्ड पार्टी को प्रॉफिट हो जाएगा, फैक्टर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं फैक्टरिंग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनी एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बीइंग रिफर्ड टू इन दिस केस। ये जो कंपनी एक्ट है और सेबी गाइडलाइंस है, मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करी जाएगी व्हाइल रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। हाँ, अब हमें ये बताना है कि वो कौन सा फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर का जिसको यहाँ पर रिफ़र किया गया है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्टैचुरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट ही है जो एक ऐसा फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर का जो ऑब्जर्व किया जाता है जब फंड लेने की बात होती है, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है वो समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, मानिए आपने मार्केट से पैसा लिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया, इक्विटी शेयर होल्डर से लिया, तो उसके बदले आप उन्हें कुछ पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, तो ये जो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं ना ये कॉस्ट है, ये लागत है पैसा लेने की। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो आप बैंक को क्या पे करेंगे, प्रिंसिपल के अबव इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कॉस्ट है, वो लागत है पैसा लेने की, इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक। कैश फ्लो पोजीशन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, क्या पोजीशन क्या है कैश की, कितना कैश है आपके बिजनेस में। और कैपिटल मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन क्या है, पैसा कितना इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, कितने पे मिल रहा है पैसा, ये है मार्केट की कंडीशन से चेक करना होता है। तो ये हो गया, तो थर्ड का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट IMPS, IMPS के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए सबसे पहले आप IMPS का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये आपको बताना है, ठीक है। हम आंसर करेक्ट बताते हैं, क्या है आंसर करेक्ट जो है, B1 सेकेंड वाला जो है करेक्ट है। IMPS जो है ये सपोर्ट करता है मोबाइल और इंटरनेट बेस्ड मनी ट्रांसफ़र को, यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र होता है मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए। IMPS के बारे में थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जान लीजिए, इसका जो सर्विस है ना ये 24/7 आपको मिलेगी और इसमें मिनिमम कोई लिमिट नहीं है पैसा ट्रांसफ़र करने की, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अंडर IMPS सर्विस में।
और इसका नॉमिनल चार्जेस देखें तो 0.25% का टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर थ्योरी, विच स्टेट दैट, किसने बताया है ये? साइंस है लेकिन रूल ऑफ थंब नहीं है, एफ डब्ल्यू टेलर का है। चलिए बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन इज़ देयर शुड बी अ हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, या देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क, सी वन एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस, डी ऑप्शन वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस, हर जॉब जो है साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस पे बेस्ड होनी चाहिए। इसी को कहते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि साइंस है नॉट अ रूल ऑफ थंब नहीं है, आपकी स्टडी एंड एनालिसिस पे बेस्ड होनी चाहिए जो भी आप जॉब कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ द इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अफेक्टेड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड ट्रेंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से ध्यान से समझिए। हाउ हैज़ द इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अफेक्टेड द कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो इंक्रीजिंग कंसर्न हो रही है हमारा इन्वायरमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी रहे, चीज़ें सही रहें, ठीक, तो कैसे, हाउ हैज़ द इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अफेक्टेड द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है और उसके ट्रेंड को अफेक्ट कर रही है, हाउ, चलिए आंसर बताइए। ए, इट हैज़ लेड टू अ राइज इन डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, कंज्यूमर हैव बिकम इनसेंसिटिव टूवर्ड इन्वायरमेंट, सी वन इट हैज़ लेड टू डिक्रीज इन पॉपुलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, डी इट हैज़ रिड्यूस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर तो ऐसी बस इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हुई है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट हैज़ लेड टू अ राइज इन डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर हमारा रहेगा तो यही तो इंक्रीजिंग कंसर्न है इन्वायरमेंट की एंड सस्टेनेबिलिटी की, जो कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट कर रही है। आज का ट्रेंड क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये है आपका ट्रू फॉल्स। चलिए, ए वन, अ थ्रेट एनालिसिस इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द मैक्रो एनवायरनमेंट, ये जो थ्रेट एनालिसिस है ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ये बात तो सही है, हाँ कि थ्रेट एनालिसिस अनफेवरेबल कंडीशन है, लेकिन ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। शॉर्ट एनालिसिस किया था, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो आपके अंदर होती है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहाँ होती है, बाहर होती है ना, एक्सटर्नल होती है ना, तो ये मैक्रो का तो पार्ट नहीं हो सकता, ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ फ्यूचर मार्केट इज़ टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये जो पर्पस है ना फ्यूचर मार्केट का, इज़ टू मेक प्रॉफिट, क्या करना है, प्रॉफिट करना है आउट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो पर्पस यही है फ्यूचर मार्केट का कि प्रॉफिट कमाना है, ये जो फ्लक्चुएशंस होता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का, फ्लक्चुएशंस मीन्स प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसी से तो प्रॉफिट कमाया जा सकता है फ्यूचर मार्केट में, इसी ट्रेंड को आप सही से एनालिसिस करो, उसी के अकॉर्डिंग काम करो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी, अ सुपरवाइजर डज नॉट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, सुपरवाइजर जो है ये लिंक नहीं प्रोवाइड करता मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में, आप बताइए, सुपरवाइजर लिंक नहीं प्रोवाइड करता, करता है ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है क्योंकि प्रोवाइड करता है लिंक। और डी वन, ब्रांडिंग फैसिलिटेट्स प्राइस कंट्रोल, ये जो ब्रांडिंग है ये हेल्प करती है प्राइस कंट्रोल करने में, नहीं मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स है, ठीक, क्योंकि ब्रांडिंग जो है ये हेल्प नहीं करती प्राइस कंट्रोल करने में, ब्रांडिंग हेल्प करती है लॉयल्टी डेवलप करने में, हैबिचुअलिटी फॉर प्रोडक्ट अमंग द कस्टमर्स, कि आप प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कस्टमर्स को कितनी आदत दिला रहा है अपनी, इस सारी चीज़ों में,
उसी से फर्म एडवांटेज ले लेता है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, कि मैगी है लत लग गई, नहीं हमें चाहिए वो मैगी, खाना है मैगी तो हम खाएंगे, तो इस तरीके से वो डलवा देता है ना, जिसे कहते हैं कि हाँ नहीं अपनी आदत डलवाना, पहले आदत डलवाओ फिर उसके बाद काम हो ही जाएगा। तो कंपनी भी यही करती है। नेक्स्ट वन, एट डैश इज अ प्रिंसिपल वेयर ऑल एम्प्लॉय आर इनकरेज टू लिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड एग्जीक्यूट द टास्क इन अ बेटर वे। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पर एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है कि तुम खुद सोचो और तुम खुद काम करो आउट ऑफ बॉक्स जाके, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो तुम खुद करो, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है ये जो कहता है? और इससे काम क्या होगा, जब आप अपने दिल से करोगे अपने मन से करोगे तो काम को आप बहुत बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई बोर्डम नहीं है, कि किसी ने बोला नहीं है कि आप एकदम बर्डन में हो कि करना ही करना है काम, मन से कर रहे हो दिल से कर रहे हो, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है सोचिए। इनिशिएटिव, ठीक है यहाँ लिख लीजिए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जो है ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि एक्शन हमें खुद लेना है, अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपने तरीके से करना है ताकि काम अच्छे से हो जाए, तो इनिशिएटिव होगा, ठीक है। आई एन आई यहाँ लिख देते हैं, आई एन आई टी आई ए टी आई वी ई, इनिशिएटिव, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ अ फाइनेंशियल प्लान विच स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ गिवन टाइम पीरियड। ऐसा कौन सा फाइनेंशियल प्लान है जो हम बनाते हैं जिसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है ना गिवन टाइम पीरियड में ही मिल जाता है हमको, एक टाइम बना है उसी टाइम में हमको पता चल जाता है कि इतना जो पैसा है हमको 12 मंथ में खर्च करना है, यहाँ यहाँ पे एलोकेट कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतना पैसा इन चीज़ों पे खर्च करना है, तो हम प्लान बना के चलते हैं, तो वो प्लान को हम क्या कहते हैं, ये तो आपको पता है, बी यू डी जी ई टी, बजट, ठीक है यहाँ लिख लीजिएगा बजट, इसको बजट कहते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, समटाइम्स मल्टीनेशनल्स आर फोर्स टू लीव द कंट्री ड्यू टू द स्ट्रिंगेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, विच कॉम्पोनेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट लीड्स टू द डिपार्चर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। कभी कभी क्या होता है ना, मल्टीनेशनल्स को एमएनसी को फोर्स किया जाता है कि आप हमारी कंट्री से जाओ, क्यों क्यों जाओ, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉलिसी बहुत, गवर्नमेंट ने बहुत फिक्स्ड पॉलिसी बना दी है, आप यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा कॉम्पोनेंट है मैक्रो इन्वायरमेंट का जो बताता है कि अब डिपार्चर का टाइम हो गया, एमएनसी को जाने का समय हो गया है? ये है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पी ओ एल आई टी आई सी ए एल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप एमएनसी को कह सकते हो कि हमारे गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि आप यहाँ पर रहो काम करो, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रहे हो। देन नेक्स्ट वन इज 11th, कंज्यूमर डिड नॉट चेक द वूल कंज्यूमर डिड नॉट चेक द वूल मार्क सर्टिफिकेशन मार्क ऑन वुलन क्लोथ एंड परचेज अ स्वेटर, मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर विच वॉज ओवर लुक्ड बाय द कंज्यूमर वाइल परचेजिंग द स्वेटर। कंज्यूमर ने चेक नहीं किया वूल मार्क और वुलन क्लोथ परचेज कर लिया, स्वेटर खरीद लिया, तो अब बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कंज्यूमर की जो ओवर लुक हुई है, जिसको ध्यान नहीं दिया गया है वाइल परचेजिंग द स्वेटर। ये है बी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है यहाँ पर आंसर इसका ये है कि क्वालिटी कॉन्शियस नहीं था कंज्यूमर, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे हम लोग ISI मार्क्स चेक करते हैं ना सामान लेने के लिए, तो वैसे ही स्वेटर का अपना मार्क को चेक नहीं किया तो कॉन्शियसनेस नहीं है थी इतनी। नेक्स्ट वन इज 12th, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है, चलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाइंड करके रखता है सारे फंक्शंस को? कोऑर्डिनेशन, क्या है इसका आंसर? कोऑर्डिनेशन, सी डबल ओ आर डी आई एन ए टी आई ओ एन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन 13th, देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है।
पब्लिसिटी इज़ अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन एज इट कैन मेक और रुइन द इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट। पब्लिसिटी जो है बहुत पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये बना भी सकता है इमेज और बिगाड़ भी सकता है इमेज। सही बात है ना। किसी भी सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए, अगर आप कोई भी सेलिब्रिटी को लीजिए, अब एडवर्टीजमेंट तो पेड होती है, पब्लिसिटी फ्री में होती है। मीडिया है, जिसको बनाना है बना देती है, जिसको बिगाड़ना है बिगाड़ देती है। तो ये पावरफुल टूल हो गया कम्युनिकेशन का, जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर परसीव द मीडियम कैरिंग न्यूज़ अबाउट अ प्रोडक्ट एज अ क्रेडिबल। कंज्यूमर जो है परसीव करता है मीडियम कैरिंग न्यूज़ अबाउट अ प्रोडक्ट, वो लेता है सारा न्यूज़ क्या है प्रोडक्ट की, उसकी क्रेडिबिल क्या है, कितना अच्छा है प्रोडक्ट, नहीं अच्छा है। तो कंज्यूमर परसीव करता है ना मीडियम को, न्यूज़ सारी समझता है, इकट्ठा करता है, फिर उस प्रोडक्ट पे काम करता है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका ऑप्शन जो है ना A1 इज़ करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन B सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स, प्लीज़ 50 लाइक्स तो करवा ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच।